तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्शन मेंटर में विरद आप लोगों का स्वागत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको मैं बताऊँ अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने जो ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कहाँ तक पढ़ लिया था, कहाँ तक पढ़ लिया था ज़रा बताइए। भारतीय संविधान में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? हम लोग प्रेसिडेंशियल पावर को डिस्कशन कर रहे थे। इसमें क्या डिस्कस कर रहे थे? प्रेसिडेंशियल पावर। और प्रेसिडेंशियल पावर में भी अगर हम लोग चर्चा करें, यानी राष्ट्रपति की शक्तियों में भी अगर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति की शक्तियों में हम लोगों ने क्या बात कर ली थी? अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति की जो आ, आ, कह सकते हैं कि जो कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ हैं, कार्यपालिका से संबंधित जो शक्तियाँ हैं, उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो प्रेसिडेंट की कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है, ये डिस्कस करी जा चुके हैं, राइट। इसके अलावा अब हम लोग यहाँ पर क्या बात करने जा रहे हैं, आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रेसिडेंट की कौन सी पावर होगी। वो प्रेसिडेंट की अगर देखा जाए तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगी हमारे पास में, हालांकि इसका एक पॉइंट हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, विधायी शक्तियाँ, इनको हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव पावर का आज ये सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हम लोग आज यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। दोस्तों, कुछ चीज़ें रिविज़न करते हुए ज़रा आगे बढ़ेंगे। जैसे आर्टिकल नंबर हम 70 आर्टिकल नंबर नंबर अगर हम देखते हैं तो 79 की बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 79, ठीक है। तो अनुच्छेद 79 में क्या कहा गया था, आर्टिकल 79 में क्या कहा गया था? आर्टिकल 79 में कहा गया था कि भारत में एक संसद होगी। भारत में एक क्या होगी? संसद होगी, यानी कि पार्लियामेंट होगी। और जो ये पार्लियामेंट है वो किससे मिलकर के बनेगी? तीन लोगों से मिलकर के बनेगी, और ये होंगे राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। इसके अलावा कौन कौन लोग होंगे? इसके अलावा होंगे लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और दूसरे कौन होंगे? राज्यसभा। इन तीन लोगों से मिल करके संसद बनेगी, यानी राष्ट्रपति जो है वो संसद का अनिवार्य अंग है। इस पर डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, और डिस्कशन करते हुए लेजिस्लेचर पावर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आर्टिकल नंबर 80 पर पहुंच गए थे, और यहीं से हम लोगों को आगे डिस्कशन करना था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आर्टिकल 83 में है ना, पिछला क्लास पार्ट वन इसका हो चुका है, ये पार्ट टू आज हम लोग पढ़ रहे हैं, पार्ट वन इसका जो है ऑलरेडी हो चुका है। तो जो जो हमारे पास में आर्टिकल नंबर 80 का पार्ट थ्री है, ये क्या कहता है? अनुच्छेद 80 भाग 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 80 भाग 3 कहता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट जो है वो, राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में वो कला यानी कि आर्ट, साहित्य साहित्य यानी कि आप लिटरेचर कह सकते हैं इसको, इसके अलावा कला साहित्य विज्ञान, विज्ञान भी कहा जा सकता है, विज्ञान और विज्ञान के अलावा अगर हम बात करें कला साहित्य विज्ञान और समाज सेवा, समाज सेवा, तो इनसे संबंधित जो है वो चार फील्ड से रिलेटेड देखा जाए तो 12 लोगों को, कुल मिलाकर के 12 लोगों को वो नॉमिनेट कर सकता है, यानी नामांकित तो उन्हें कर सकता है, नाम निर्दिष्ट कर सकता है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस करी थी, आज यहाँ पर इसको फिर रिपीट कर रहे हैं। तो उसका रीज़न क्या है, यहाँ पर ज़रा देखिए कि अब कला साहित्य विज्ञान और समाज सेवा यानी कि सोशल सर्विसेज, साइंस लिटरेचर और आर्ट की फील्ड से टोटल 12 मेंबर्स जो हैं वो सेलेक्ट किए जाएंगे, वो नॉमिनेट किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये एक तरीके से प्रेसिडेंट का, ये प्रेसिडेंट की एक पावर हो गई कि वो कुछ पार्लियामेंट में कुछ मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट हो सकते हैं, मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट होते हैं उनको नॉमिनेट कर सकता है, नॉमिनेट। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा, क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा, जैसे मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि दो सदस्यों को पिछली क्लास में डिस्कस हुआ था कि दो सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में नाम निर्दिष्ट कर सकता है, और वो कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है। एंग्लो इंडियन समुदाय का यदि अगर प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं है, अगर है तो नहीं करेंगे, अगर लोकसभा प्रतिनिधित्व नहीं है तो दो एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं, और 12 सदस्यों को यहां से राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं।
तो ये जो नॉमिनेशन की पावर है प्रेसिडेंट की, अब इस पे एक क्वेश्चन बन जाता है इन दोनों के लिए, यानी कि 12 और 2 14 सदस्य जो यहां पर आ रहे हैं, इनके नॉमिनेशन को लेकर के क्वेश्चन बनेगा। और क्वेश्चन ये बनेगा कि राष्ट्रपति के द्वारा ये जो लोग होते हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है, क्या ये राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति होती है, क्या ये राष्ट्रपति की स्वविवेक होता है, क्या राष्ट्रपति अपनी इच्छा से इन 12 सदस्यों को और इन 2 सदस्यों को नॉमिनेट करता है। तो आपको बताया जा चुका है कि प्रेसिडेंट इसमें अपनी स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, यानी कि ये जो सदस्य होते हैं ये मंत्री परिषद की सलाह से आते हैं। मंत्री परिषद जो होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, उनकी सलाह से राष्ट्रपति किन्हीं 12 और किन्हीं 2 सदस्यों का नॉमिनेशन करता है। तो मेरी ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, सभी लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और क्या चीज़ इसमें आती है, और क्या चीज़ इसमें आ सकती है, क्या चीज़ और जोड़ सकते हैं हम, जरा उसको देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल नंबर 85 की, अनुच्छेद 85 की हम लोग बात करेंगे। आर्टिकल नंबर 85 की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। आर्टिकल नंबर 85 की बात करेंगे, 85 की बात करेंगे। अब देखिए आर्टिकल 85 क्या कहता है, अनुच्छेद 85 क्या कहता है, बहुत ही क्लियर शब्दों में सुनना है इसको। राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाता है, मतलब इसमें एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाएगा, संसद के अधिवेशन अधिवेशन बुलाएगा, पहली बात। तो राष्ट्रपति को संसद अधिवेशन बुलाने की शक्ति, तो प्रेसिडेंशियल पावर में एक पावर यहाँ पे यह हो गई कि जो भी संसद के सत्र चलते हैं, उन अधिवेशनों को आहूत करने का जो काम है, उनको कॉल अप करने का जो काम है, कॉल अप करने का जो काम है, वो कौन कर से करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात यहाँ पर हमने आपको बताई, आर्टिकल नंबर 85 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी जो संसद के जो सेशंस होते हैं, पार्लियामेंट के जो सेशंस होते हैं, उनको बुलाने का काम करेगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात इसी में आपको और ध्यान रखनी है, और वो ये है कि राष्ट्रपति ही संसद के सत्रों का सत्रावसान भी करता है। सत्रों का क्या करेगा, सत्रावसान करेगा, सत्रावसान। राष्ट्रपति ही संसद के सत्रों का सत्रावसान करने का मतलब होता है प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन, ठीक है। राष्ट्रपति जो है वो क्या करेगा, संसद के सत्रों का सत्रावसान करेगा, यानी इनको प्रोड्यूक करने का अधिकार भी जो है वो किसके पास है, प्रेसिडेंट, यानी बुलाएंगे भी ये सेशन को और सेशन को समाप्त करने का अधिकार भी इनके पास होगा। और साथ ही साथ इसमें एक और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करेंगे, लोकसभा को भंग करने का अधिकार, भंग करने का काम जो है वो कौन करेंगे, राष्ट्रपति ही करेंगे। लोकसभा को भंग कर सकना का मतलब क्या होता है, यानी राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा भंग कर सकते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, डिसॉल्व करना, टू डिसॉल्व लोकसभा, डिसॉल्व, ठीक है। राष्ट्रपति जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो क्या कर सकते हैं, इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या ये जो काम है ये राष्ट्रपति अपनी इच्छा से करेंगे, क्या इसमें भी मंत्रिपरिषद की सलाह ली जाएगी, क्या मंत्रिपरिषद इसमें भी राष्ट्रपति को सलाह देती है, या राष्ट्रपति स्वयं के विवेक से अपनी मर्जी से ऐसे काम कर सकते हैं। तो अब मैं आपको यहां पर ये बता देता हूं कि लोकसभा को भंग करने को लेकर के अगर देखा जाए तो अधिकतर क्या होता है, अगर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा की अगर बात करी जा रही है तो डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा जो है ये भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है इनकी सलाह पर हो सकता है या होता है जनरली, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बार राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर ही लोकसभा भंग करे। अब देखिए क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि प्रेसिडेंट जो शपथ लेता है, राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो किसकी लेता है, राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ लेता है, संविधान की रक्षा, ठीक है, राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ लेता है, टू प्रोटेक्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इसकी प्रेसिडेंट शपथ लेता है। अब मैं आपको एक कहानी यहाँ पर बता दूं कि यदि अगर मान लेते हैं कि कोई कोई एक ऐसा कोई ऐसी लोकसभा चल रही है जिसके जिसमें सरकार को ये लगता है कि अगर यहाँ पर
किसी प्रकार से रूफ टेस्ट हुआ या कुछ फ्लोर टेस्ट वगैरह, सॉरी फ्लोर टेस्ट वगैरह अगर कुछ हुआ तो फ्लोर टेस्ट होगा तो उसमें क्या हो सकता है कि हमारी सरकार गिर सकती है। तो ऐसे में अगर सरकार गिर जाएगी तो किसी राष्ट्रपति जो है वो किसी दूसरे को मौका दे सकता है और उसकी सरकार बनने की संभावना है। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं, कहते हैं कि आप सर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपको सलाह देती है कि आप क्या करिए, आप लोकसभा डिसॉल्व कर दीजिए, लोकसभा को भंग कर दीजिए। तो अब देखिए, राष्ट्रपति यदि चाहे तो ऐसा करने से मना कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं कि अगर कोई कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसकी सरकार चल रही है, अगर उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये सलाह दे रही है कि आप सर जो है क्या कर दीजिए, लोकसभा को भंग कर दीजिए, लोकसभा को भंग करने से क्या होगा, सेशंस लोकसभा ही पूरी डिसॉल्व हो जाएगी और उसके लिए नई लोकसभा गठित करनी पड़ेगी। नई लोकसभा का गठित होने का मतलब ये है कि इनकी सरकार, इन्हें तो अंदेशा है कि अगर फ्लोर टेस्ट हुआ तो इनकी सरकार गिर जाएगी, लेकिन इससे दूसरे को भी मौका नहीं मिल पाएगा, यानी ना मेरी सरकार बन पाएगी ना किसी और की बन पाएगी। ऐसे में नई लोकसभा का इलेक्शन होना पड़ेगा और ये राष्ट्रहित में आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये फिर नहीं है, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है तो पैसा तो जनता का ही लग रहा है ना। सरकार अपने स्वार्थ के हित के लिए ऐसा काम कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए इस नई लोकसभा, इस लोकसभा को डिसॉल्व करने की बजाय फ्लोर टेस्ट करा के या फिर दूसरे को सरकार का मौका बनाने का, जो है कह सकते हैं, दूसरे को सरकार बनाने का मौका दे सकती है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति का यहाँ पर स्वविवेक काम करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ना बात? तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह भी ले सकते हैं और बगैर मंत्रिपरिषद की सलाह के भी ये काम किया जा सकता है, ये बात मैंने आपको बता दी। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा इतनी बात जितनी हमने आपको बताई। चलिए उसके बाद और समझते हैं, यहां पर और एक पॉइंट समझते हैं। आर्टिकल नंबर 85 उन लोगों ने पढ़ा है, आर्टिकल नंबर 86 जरा समझते हैं। आर्टिकल 86 क्या कहता है, आर्टिकल 86 क्या कहता है जरा देखते हैं। आर्टिकल 86 क्या कह रहा है इसको भी जरा एक बार देख लेते हैं। 86, अनुच्छेद 86, आर्टिकल नंबर 86, अनुच्छेद 86 को जरा देख लेते हैं एक बार, क्या कह रहा है अनुच्छेद 86, आर्टिकल 86 क्या कह रहा है। इसमें जरा देखिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें जो है राष्ट्रपति संसद को संबोधित कर सकते हैं। अब संसद मैंने आपको बताया था, संसद में लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, संसद को संबोधित कर सकते हैं। संबोधित, तो राष्ट्रपति संसद को संबोधित कर सकते हैं। ये अधिकार जो है वो आपको कहां से मिल रहा है, प्रेसिडेंट को ये पावर जो है वो कहां से मिल रही है, आर्टिकल नंबर 86 से मिल रही है, अनुच्छेद नंबर 86 से मिल रही है। पहली बात तो ये है, संसद को संबोधित कर सकते हैं, मतलब जाकर के वहां पे किसी प्रकार का अभिभाषण कर सकते हैं, अभिभाषण, अभिभाषण करना, ठीक है, ठीक। दूसरी बात यहां पर क्या है, राष्ट्रपति जो है वो संसद को किसी प्रकार का संदेश दे सकते हैं, संसद को कोई संदेश दे सकते हैं, कोई संदेश। तो संदेश देने का मतलब यहां पर क्या है, मैसेज देना, ठीक है, मैसेज यानी कि संदेश दे सकते हैं। तो राष्ट्रपति जो है वो संसद को संबोधित करेंगे, राष्ट्रपति संसद को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ राष्ट्रपति अगर जरूरत पड़ती है तो संसद को संदेश भेजने का भी राष्ट्रपति अधिकार रखते हैं। तो अब जब राष्ट्रपति जब भाषण देने जाते हैं, जब कोई स्पीच देने जाते हैं, जब कोई पार्लियामेंट में जब कोई अभिभाषण करते हैं, भाषण देते हैं, तो क्वेश्चन बनता है कि इनका ये जो भाषण है ये कौन तैयार करता है। तो राष्ट्रपति का ये जो भाषण है ये मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है, आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति का जो भाषण है वो तैयार किया जाता है, मंत्रिपरिषद के द्वारा ही राष्ट्रपति का भाषण तैयार किया जाता है और इसी भाषण को वो जाकर के वहां पे बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन बनता है कि वे जो है मतलब किस प्रकार से राष्ट्रपति जो है वो संबोधित करते हैं, किस प्रकार से उनका संबोधन होता है, कब कब संबोधन होता है, तो यहाँ पर इसके बारे में भी चर्चा कर ले रहे हैं। राष्ट्रपति संसद को के दोनों सत्रों को संबोधित कर सकते हैं, संसद को संबोधित कर सकते हैं, दोनों सदनों को संबोधित कर सकते हैं और साथ ही साथ संसद के दोनों सदनों में संदेश भेजने का काम कर सकते हैं। ये तो हमें आर्टिकल नंबर 86 से पता हो गया, बात आर्टिकल नंबर 86 से ये बात पता चल गई। अब हमें यहाँ पे आर्टिकल नंबर 87 भी याद रखना होगा, इसी से पैरेलल एक आर्टिकल नंबर 87 है, वो भी हमें ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति संसद को विशेष रूप से संबोधित कर सकते हैं। संसद को किस रूप से, विशेष रूप से संबोधित कर सकते हैं, विशेष रूप से। तो अब विशेष रूप से संबोधित करने का यहाँ पर क्या मतलब है, ठीक है, स्पेशल
कह सकते हैं कि कोई जाकर के वहां पे संबोधन किया जा सकता है। तो स्पेशल संबोधन करने का मतलब यहाँ पे जरा समझ लेते हैं, कब कब किस किस प्रकार से संबोधन हो रहा है। सबसे पहली बात, जब भी कभी कोई नया वर्ष जब शुरू होता है, यानी नए वर्ष, ठीक है, नए वर्ष या कह सकते हैं किसी भी वर्ष के प्रथम सत्र, किसी भी वर्ष के प्रथम सत्र का मतलब हो गया फर्स्ट सेशन, ठीक है, फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। जो फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर होगा उसमें राष्ट्रपति जो है वो संबोधन करने जा सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा उसमें अनिवार्य रूप से संबोधन होगा। संसद का जो पहला सत्र चलेगा, अब बात आती है कि अब देखिए यहां पर आपको अगर बताया जाए तो संसद के जो सत्र होते हैं मुख्य तौर से तीन प्रकार के होते हैं, आप लोगों को मालूम है, जिसमें सबसे पहले जो शुरुआत में जो सत्र चलता है वो होता है बजट सत्र। सबसे पहले जो सत्र चलता है उसको क्या बोलते हैं, बजट सेशन। किसी भी ईयर में सबसे पहले जो सेशन आता है वो बजट सेशन होता है। फाइनेंशियल ईयर जब शुरू होता है तो सबसे पहले कौन सा सेशन आता है, तो फाइनेंशियल ईयर शुरू होने में सबसे पहले आपका फिर जो है वो बजट सेशन आता है, फिर उसके बाद मॉनसून सेशन आता है, और फिर उसके बाद शीतकालीन जो है आपका विंटर सेशन जो है वो आता है, ठीक है। तो तीन प्रकार के सेशन होते हैं, ठीक, दूसरा आपका मानसून सेशन होगा, मानसून सेशन, और तीसरा जो होगा आपका वो शीतकालीन सत्र होगा। शीतकालीन यानी कि आपका जो है विंटर सेशन यहां पर दिखाई देगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पे कह रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र का संबोधन कौन करेगा, प्रत्येक वर्ष के प्रथम वर्ष का संबोधन जो है वो राष्ट्रपति करेंगे। इसका मतलब यहां पर बाय डिफॉल्ट अगर देखा जाए तो बजट सेशन का संबोधन जो है वो राष्ट्रपति करेंगे। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट अगर आपके एग्जाम में आता है कि राष्ट्रपति बजट सेशन का संबोधन करते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये है कि इत्तफाक से पहला सेशन बजट ही पड़ जाता है। अगर पहला सेशन कोई दूसरा आ जाए कल को तो वो उस सेशन का संबोधन करेंगे। तो यहां पर ये कहा गया है कि वर्ष के प्रथम सत्र का जो कह सकते हैं संबोधन है वो राष्ट्रपति करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एक बात तो आपकी ये हो गई। दूसरी बात आपको ध्यान क्या रखनी है, यहां पर दूसरी बात ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद, जो लोकसभा नई लोकसभा गठित हो रही है, नई लोकसभा गठित हुई, उसके बाद नई लोकसभा जब गठित हो रही है, बन गई है, तो जब गठित हो रही है तो उसमें पहली बार जो है संबोधन कौन दे रहा है, वो राष्ट्रपति दे रहे हैं। कौन दे रहा है, फर्स्ट जो कह सकते हैं उसमें संबोधन जो है वो किसका होगा, अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति होगा। तो लोकसभा के चुनाव के बाद का जो प्रथम सत्र होता है, लोकसभा के चुनाव, यहां लिख दे रहा हूं मैं, चुनाव के बाद प्रथम सत्र का अनिवार्य रूप से क्या करेंगे, वो संबोधन करेंगे, ठीक है। मैंडेट एक तरीके से है उनके लिए कि लोकसभा जब नई गठित होगी, न्यू लोकसभा जब फॉर्म होगी, तो उस न्यू लोकसभा को संबोधित करने का काम प्रेसिडेंट का होगा। यहां तक मेरी ख्याल से आप सब लोगों को बात समझ में आ गई होगी। और इसके बाद हम लोग जिस पर चर्चा करेंगे वो होगा आर्टिकल नंबर 108, अनुच्छेद 108। और अनुच्छेद 108 में क्या कहा गया है, कहा गया राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे। राष्ट्रपति जो है वो संसद का संयुक्त अधिवेशन यानी कि ज्वाइंट सेशन यहां पर होगा, ज्वाइंट सेशन, ठीक है। तो ज्वाइंट सेशन यहां पर राष्ट्रपति संसद का जो ज्वाइंट सेशन है वो बुलाएंगे, पार्लियामेंट का जो ज्वाइंट सेशन है उसको बुलाएंगे। तो होता क्या है, जब कभी भी मान लेते हैं कि लोकसभा से कोई बिल पास होता है, साधारण तौर पर अगर कोई बिल लोकसभा से पास होता है तो राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा से जब पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए जाता है, उनके आज्ञा के लिए जाता है, उनके अनुमति के लिए जाता है, और जब राष्ट्रपति उस पर परमिशन दे देते हैं तो वो जो विधेयक है वो एक कानून बन जाता है, यानी वो बिल जो है वो एक कानून बन जाता है। लेकिन मान लेते हैं कि कोई विधेयक ऐसा था जो लोकसभा से पारित होकर के राज्यसभा के पास गया, जो लोकसभा से पारित होकर के लोकसभा से पारित हो गया और राज्यसभा के पास गया, लेकिन राज्यसभा ने उसे क्या कर लिया, 6 महीने से अधिक समय के लिए अपने पास होल्ड कर लिया, या फिर उस पर अपनी स्वीकृति देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। तो ऐसे में ये जो दोनों हाउसेज हैं ये फाइनली एक दूसरे से क्या हो गए, एक दूसरे के से असहमत हो गए। ऐसे में जो बिल है वो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत ज्वाइंट सेशन में आ जाता है। अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों का ज्वाइंट सेशन होगा।
इस कह सकते हैं कि ये जो ज्वाइंट सेशन होगा, इस ज्वाइंट सेशन को बुलाने का कार्य, इस ज्वाइंट सेशन को बुलाने का कार्य भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस ज्वाइंट सेशन को भी प्रेसिडेंट के बुलाने पर ही जो है वो लाया जाता है, किया जाता है। ये बात भी आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। तो मैंने आज आप लोगों को जितनी भी चीज़ें जो है वो चर्चा में यहाँ पर दी हैं, बताई हैं, मेरी ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। जितने भी पॉइंट्स हैं मेरे ख्याल से सारे के सारे आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर है सभी को सारे पॉइंट्स? हाँ या नहीं? सभी को सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे शायद। अगर आपको सारे पॉइंट्स समझ गए हों, समझ में आ गए हैं, तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पर जोड़ने का प्रयास करिए। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद ज़रूर आया होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको सेशन पसंद आए। आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू।